उसको बड़ी जल्दी है, उसको बड़ी टेंशन होती है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। फाइन मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ओके क्लास, टुडे आई एम गोना गिव यू अ लेक्चर ऑन आर्गुमेंटेटिव एसे एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी हियर। एंड अनुषे, विल यू प्लीज टेक्स्ट इन द ग्रुप एंड आस्क ऑल ऑफ देम टू जॉइन राइट नाउ, बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट एसे एंड इट्स पार्ट ऑफ योर मिड टर्म एज वेल एज योर फाइनल टर्म। सो आप जरा एक दफा टेक्स्ट कर लें कि इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज आई एम जस्ट गोना शेयर सम गाइडलाइंस अबाउट आर्गुमेंटेटिव एसे एंड एकेडमिक राइटिंग। ऑफ कोर्स दिस इज एकेडमिक राइटिंग इटसेल्फ, ये एकेडमिक राइटिंग का ही पार्ट है जो हम अभी करेंगे, आर्गुमेंटेटिव एसे। एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट एसे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ एसे, जो जिसमें आप अक्सर जो है वो अपने जब आप लिखते हैं एग्जाम्स में तो वो आपका आर्गुमेंटेटिव एसे तकरीबन होता है। ठीक है, आप जब आंसर वगैरह लिख रहे होते हो या जो भी आंसर्स आप किसी भी सब्जेक्ट के लिखते हैं वो, तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग आए, बिकॉज यू विल ऑल्सो बी हैविंग अ क्विज ऑन दिस, और क्विज मैं बताऊंगी आपको कब रखूंगी, और क्विज आपका ऑन कैंपस होगा एंड आई विल बी देयर, और ये क्विज मैंने आप लोगों को ऑन कैंपस लेना है। ठीक है, दैट्स वाई आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी हियर एंड लिसन टू द लेक्चर केयरफुली, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप ये ना कहें कि हमें ये समझ नहीं आई थी, हमें ये नहीं पता था, और ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आई। सो इसको आप लोगों को वट एवर क्वेश्चन यू हैव, वट एवर डाउट यू हैव, प्लीज डू आस्क मी एंड क्लियर योर डाउट्स, एंड प्लीज आप मुझे स्टॉप करके पूछ सकती हैं इफ़ यू आर लाइक गेटिंग कन्फ्यूज। ठीक है, तो अभी हमने टेक्स्ट कर दिया आपने अनुषे?
Okay, chale. Yes, ma'am. ठीक है, so let's wait for a couple of more minutes and after that, inshallah, we'll start our lecture. मैम एक स्टूडेंट है आशा अश्रफ, वो ना ट्रेवल कर रही है तो वो कह रही है मैं मतलब मुसलसल कनेक्ट कर रही हूँ लेकिन मेरी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही, तो मतलब मे बी थोड़ा लेट अगर कनेक्ट उसकी हो जाए, लेकिन वो ट्राई कर रही है, उसने मुझे मैसेज किया था आपको बता दूं. ओके ओके All right, class. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, I see that only 32 participants are there in my class right now, which is very disappointing because we have more than 50 students in our class, but what I see is only 32 students. Anyways, I am just gonna lock the meeting after 5 minutes, like it's 3:40, and I will lock the meeting at 3:45. So yeah, then no one will be allowed to enter the meeting. Anyways, okay, so the topic which we are going to discuss today is the argumentative essay. It is also part of our academic writing, okay? So academic writing is the thing, the text which you write for the academic purpose.
आप एकेडमिक पर्पस के लिए जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एकेडमिक राइटिंग. सो एसेज, रिपोर्ट राइटिंग, रिव्यू राइटिंग, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव एसे. ओके, सॉरी, all these are part of academic writing. So today we are going to discuss this argumentative essay. As the term itself suggests, that argumentative essay is sort of argument which you are making in the essay. You will be having your opinion, you will be having your own argument, you will just make some arguments and discuss that and comment on that, and then you will just go with that argument and support your argument with different evidences and proofs and facts, etc. Okay, so the argumentative essay, how to write an argumentative essay, this is the first question which comes in our mind. What is an argumentative essay? The purpose of an argumentative essay is to persuade the reader to accept or seriously consider your opinion on a controversial issue. What is argumentative essay? Basically, it's an essay in which you just make an argument and support your argument with evidences and with facts and information, and it is solely for the purpose to persuade, to convince your reader or to accept your point of view. You are giving your own opinion on a controversial issue and you want your reader to accept the point which you are making, which you are raising, okay, the argument which you are making. So this means that argumentative essay, you will be subjective, you will not be objective, like you will be giving your own opinion, your own stance about a controversial issue. So basically, to argumentative essay kya hai? Argumentative essay mein सब गौर से सुने. आर्ग्यूमेंटेटिव एसे क्या होता है? आर्ग्यूमेंटेटिव एसे जिसमें आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है? तो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में आप एक आर्ग्यूमेंट बनाते हो, एक आर्ग्यूमेंट देते हो. एक्चुअली दैट इज योर ओन पॉइंट, दैट इज योर ओन स्टांस, दैट इज योर ओन बिलीव आई शुड से. तो वो आर्ग्यूमेंट आपका अपना होता है एंड देन यू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद एविडेंसेस, प्रूफ्स एंड फैक्ट्स एंड अदर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन. तो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे जो है उसमें आप एक अपने ओपिनियन को उसको कमेंट करते हो, ठीक है? So basically, when we talk about the structure of argumentative essay, jo structure hai argumentative essay ka, it has five parts. Okay, there are five parts in an argumentative essay. Six parts bhi ho sakte hain, but jo accepted hai, jo sab use karte hain, which is commonly used, is five parts. Okay, the first part is called the introduction part. As all of you know that, आप लोग वैसे पहले पढ़ चुके होंगे, मुझे यकीन है इंग्लिश 102 में आप ये कवर कर चुके होंगे. सो ये जब इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है, इंट्रोडक्शन पार्ट यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक. ओके, सो इंट्रोडक्शन पार्ट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंट्स व्हिच यू आर मेकिंग इन द एसे, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो टोटली वो उसका तारुफ होता है, आपका जो टॉपिक है या क्वेश्चन है. देन द सेकंड पैराग्राफ, देर आर थ्री बॉडी पैराग्राफ्स. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड देन यू हैव थ्री बॉडी पैराग्राफ्स. इन द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ यू विल मेक अ क्लेम, यू विल क्लेम समथिंग, यू विल गिव योर ओन ओपिनियन अबाउट समथिंग एंड देन यू विल सपोर्ट योर ओपिनियन. एंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑल्सो यू विल बी हैविंग योर सेकेंड क्लेम, लाइक द क्लेम वुड, द टॉपिक वुड बी द सेम, but there would be different evidences and there would be different points of that particular topic. Okay, ek hi topic hoga, but you will be giving a different points to support your argument. So in claim one, definitely you will write a point and you will support your point with evidences and proofs. And in claim two, again you will write another point related to your topic which will support your topic, which will support your question of the essay. ठीक है, सो वी आर हैविंग टू पैराग्राफ्स फॉर टू डिफरेंट क्लेम्स, क्लेम वन एंड क्लेम टू. नाउ वी हैव द थर्ड बॉडी पैराग्राफ एंड दैट इज काउंटर क्लेम एंड रिबटल और रेफ्यूटेशन. काउंटर क्लेम और काउंटर आर्ग्यूमेंट इज समथिंग
it's very technical, okay? So in the first project paragraph and the second project paragraph, you are giving an argument, okay? And you are supporting your point of view. You are supporting the topic, okay? But in the third paragraph, listen to me carefully, class. In the third paragraph, in counter argument or counter claim, you are going to write something against your opinion, something opposing your argument. आपका जो argument है, जो topic है, उसको oppose कर रहा होगा. ठीक है, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट इज समथिंग वेयर यू फॉर एग्जांपल यू राइट समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये काउंटर निकला किससे है? टू काउंटर इज इट मींस दैट टू स्पीक अप इन ओपोजिशन. टू काउंटर का जो मीनिंग है वो होता है टू स्पीक अप इन ओपोजिशन, यानी खिलाफ बोलना, उसके अगेंस्ट बोलना. सो काउंटर आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली you write a counter argument which makes your writing stronger, because it will show that you are informed about the opposing opinions as well. Like you have your opinion and you are also aware of the opposing opinions out there. So ye jo counter argument hai ye aapke argument aap ye show karta hai ki aap apne topic par aapko command hasil hai aur aapke paas jo hai aapke topic ke against ya aapke opinion ke against भी जो आर्ग्यूमेंट है वो भी आपको मालूम है. तो इट विल शो के आपका जो नॉलेज है वो कितना ज्यादा है. तो काउंटर आर्ग्यूमेंट का काउंटर क्लेम जो है वो ये है कि आप अपने ही ओपिनियन के खिलाफ यहाँ पर लिखोगे. ठीक है, अपने ही ओपिनियन के अगेंस्ट लिखोगे, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि मेरी नज़र में ये चीज़ें हैं इसके अगेंस्ट. नहीं, यू विल कोट अदर पीपल्स वर्ड्स. ठीक है, यू विल कोट अदर पीपल्स स्टांसेस और पॉइंट ऑफ व्यूज, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, उनके स्टांसेस, उनके ओपिनियंस को आप यहाँ पे कोट करोगे कि बहुत से जो लोग हैं उनका इसके बारे में ये कहना है. तो दैट वुड बी अगेंस्ट योर ओपिनियन. ठीक है, एंड इन द सेम पैराग्राफ यू विल रिफ्यूट दैट. आप बताओगे कि ओके, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है लेकिन बहुत से लोग इसके अगेंस्ट ये बोलते हैं. फिर आप उसको रिबर्ट करोगे, रिफ्यूट करोगे और कहोगे कि ये जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, ये जो काउंटर क्लेम है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक है. इसका कोई जो है आपने उसके एविडेंस देना है कि ये कोई सही या वैलिड चीज़ नहीं है. तो उसको कहते हैं रिबर्ट. ठीक है, आप काउंटर क्लेम करते हो, काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हो और उस आर्ग्यूमेंट को जो है आप रिफ्यूट करते हो, उसका इनकार करते हो, उसको रिबर्ट करते हो और कहते हैं कि आप उसको कहते हैं कि ये काउंटर आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो सही है. तो basically argument in argumentative essay you give your own opinion about a controversial issue. ठीक है, you support your own opinion, you support your own argument. Then in the next paragraph you give some opposing ideas and opinions of other people. ज़रूरी नहीं है कि आपका जो argument है वो हर एक accept करता हो. तो आप बताएंगे ओके, ये कुछ लोग जो हैं इस argument के against ये बातें करते हैं, तो वो आपका counter argument हो गया. फिर आप उसी paragraph में कहोगे कि ये जो counter argument जो लोग करते हैं, जो इस argument के अगेंस्ट बोलते हैं, ये वीक है. क्यों वीक है? आप अगेन यू विल प्रोवाइड सम प्रूफ्स. ठीक है, तो आप उसको रिबर्ट करते हो, रिफ्यूज करते हो, उसको डिनाई करते हो. आप कहते हो कि आप उसको उसका जो है वो इनकार कर देते हैं कि ये सही नहीं है. जो चीज़ सही है वो मेरा आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज यू आर कन्विंसिंग पीपल और योर रीडर टू बिलीव योर ओपिनियन, टू थिंक अबाउट योर ओपिनियन, टू कंसिडर अबाउट योर ओपिनियन. ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप बताते हो कि माई पॉइंट इज स्ट्रोंगर. Okay, although there are many people who have some opposing ideas and opinions about my argument, but those arguments and those counter arguments are rather weak, and you refute that with some evidences. ओके, तो फिर आप क्या बताना चाहते हो, या आप ये बताना चाहते हो कि जो मेरा आर्ग्यूमेंट है दैट इज राइट. Okay, then you have the conclusion part, and in conclusion part all of you know that you do not write any extra
information. You don't give any extra detail. Whatever you write is that is based on the arguments which you have made earlier in your essay. तो जो conclusion है उसमें आपने अपने पूरे essay का एक summary लिखना है, उसकी gist लिखनी है, ठीक है? जो main points हैं, जो आपकी main findings हैं आपके essay के, जो main points हैं आपके essay के, you will write those in conclusion part. आपने कोई extra और new information नहीं देनी है. Am I clear, class? Yes, ma'am. Yes, अभी इसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है? अभी तो मैंने आपको सिर्फ जिस बताया है, अभी हम इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे. ओके, सो या देर आर ओनली 36 स्टूडेंट्स. नाउ आई एम लॉकिंग माय क्लास. मैं अपनी क्लास को लॉक कर रही हूँ. ओके, फाइन. Okay, so an argumentative essay is a type of writing that requires a writer to defend a position on a topic using evidence. Okay, claim हमने कहा था कि दो paragraphs हैं, पांच paragraphs होंगे, जिसमें से एक पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का होगा, दैट वुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ. और जो फर्स्ट पैराग्राफ है, दैट पैराग्राफ शुड हैव सम कंपोनेंट्स इन इट, सम पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. ओके, यू हैव टू गिव अ हुक, यू हैव टू गिव अ हुक टू द रीडर्स टू हुक देम इनटू रीडिंग इट, to attract them into reading your essay. Okay, so make your first sentence of the essay interesting by using a fact or surprising statement or even a question. You can give a question, you can write a question in the first sentence, you can write an interesting or surprising statement in the first sentence, and you can also write a fact in the first sentence. I'm talking about the introduction paragraph. In the introduction paragraph, you can start your essay with a quotation. Okay, that is related to your topic. आपके टॉपिक से कोई भी कोटेशन या फैक्ट अगर मैच करता है तो यू विल राइट दैट. ओके, और यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर एसे विद अ क्वेश्चन. यू कैन पोज अ क्वेश्चन राइट इन द बिगिनिंग ऑफ योर एसे. अपने एसे के स्टार्ट में आप जो है वो एक क्वेश्चन आप दे सकते हो. द क्वेश्चन वुड बी योर टॉपिक, ठीक है? वो जो क्वेश्चन है दैट वुड बी डेफिनेटली दैट वुड बी रिलेटेड रेलिवेंट टू योर टॉपिक. ओके, या इसके अलावा अगर आपने कुछ और इंटरेस्टिंग आपके पास कोई चीज़ है तो आप जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है आप उससे जो अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं. तो देयर शुड बी सम हुक, लाइक समथिंग विच कैन अट्रैक्ट द रीडर्स इनटू रीडिंग योर एसे, ठीक है? तो आप कैसे करोगे? बिकॉज यू वॉन्ट टू रीडर टू बी क्यूरियस अबाउट वट योर एसे इज अबाउट, ठीक है? आप क्यों ये चीज़ें लिखेंगे? इसलिए कि आप चाहते हैं कि आपके जो रीडर्स हैं वो क्यूरियस हों, और क्यूरियस हो के वो इस चीज़ के बारे में सोचें और उसको रीड करें, उनको अट्रैक्ट करें. ओके, सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू विल गिव अ हुक, यू विल गिव एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, यू कैन ऑल्सो राइट अ क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो गिव सम सरप्राइजिंग स्टेटमेंट, जिसमें मैंने कहा था कि कोट्स वगैरह, फैक्ट्स वगैरह, डेटा वगैरह, कुछ भी आप यहाँ पर इसमें जो है वो स्टार्ट में आप उसको लिख सकते हैं. Okay, then the next thing which you will write in your introduction paragraph is background information. So here you will explain why the issue is important. Okay, why the argument which you are raising is important, why your opinion is important. Okay, and who it is important to. ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है. यू विल राइट दिस इंफॉर्मेशन इन योर फर्स्ट पैराग्राफ. सो फर्स्ट थिंग, यू विल गिव अ हुक, यू विल राइट अ हुक सेंटेंस इन योर फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, लाइक यू कैन स्टार्ट योर पैराग्राफ विद एनी इंटरेस्टिंग कोटेशन और क्वेश्चन एटसेट्रा. एंड द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू गिव सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक, लाइक व्हाई इज योर टॉपिक इम्पोर्टेंट एंड हु इट इज इम्पोर्टेंट टू. किसके लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है. तो इसी में जो है आपका थीसिस स्टेटमेंट भी होता है. थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक, बिकॉज थीसिस स्टेटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस ऑफ योर एसे, एंड इट इज अ वेरी क्लियर सेंटेंस दैट टेल्स द रीडर अबाउट व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑन द इशू.
ठीक है. तो थीसिस आपका जो है, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपका टॉपिक को बताता है. ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट का मैंने आपको बता दिया. नाउ यू विल मूव टू द बॉडी पैराग्राफ. सो बॉडी पैराग्राफ हैज थ्री इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स. बॉडी जो पैराग्राफ्स हैं उनमें तीन इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं. द टू पैराग्राफ्स आर फॉर क्लेम एंड वन पैराग्राफ इज फॉर योर काउंटर क्लेम. ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर आप व्हेन यू प्लान योर एसे, डेफिनेटली आप एसे का जब टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उसको प्लान भी करते हैं. प्लान करने के लिए राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट योर एसे. The important points should have some negative and positive aspects and points related to your topic. Okay, for example, you can write points for your topic or against your topic. Yani wo wale points jo aapke topic ke against hai aur aapke topic ke favor mein hai, wo dono aapne likhna hai. Ye rough kaam hai, abhi aapne start nahi kiya. Theek hai, when you are writing the claim aapne ye karna hai ki kuch jo आपके आपके जो पॉइंट्स हैं उसमें से आपने स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स हैं उनको आपने लेना है. तो फर्स्ट द रफ थिंग विच यू विल डू इज मेकिंग और राइटिंग डाउन पॉइंट्स रिलेटेड टू योर टॉपिक. आप सारे पॉइंट्स लिखें ग्राफ पे, एक क्लाउड बनाएं उसमें सारे पॉइंट्स, स्पाइडर डायग्राम बनाएं और उसमें सारे जो है वो पॉइंट्स लिखें जिसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी हो और पॉजिटिव पॉइंट्स हो. वंस यू आर डन विद जॉटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स, यू विल लुक एट द पॉइंट्स एंड यू विल सिलेक्ट और पिक टू इम्पोर्टेंट क्लेम्स और टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप पिक करेंगे एंड दोज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विल मेक योर क्लेम पैराग्राफ्स. टू पैराग्राफ्स आर देयर, यू नो दैट, दो पैराग्राफ्स हैं और उन दो पैराग्राफ्स को आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स से आपने उसको सपोर्ट करना है. तो आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, बिफोर स्टार्टिंग योर एसे एक रफ काम आपने करना है. उस रफ काम में आपने क्या करना है, आपने अपने टॉपिक से या क्वेश्चन से रिलेटेड आपने मेन पॉइंट्स लिखने हैं. उस मेन पॉइंट्स में आपके कुछ अगेंस्ट होंगे आपके टॉपिक के, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव कहेंगे, और कुछ आपके टॉपिक के फेवर में होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे. फिर आपने क्या करना है, आपने उन नेगेटिव और उन पॉजिटिव पॉइंट्स में से दो पॉजिटिव पॉइंट्स को निकालना है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक नेगेटिव पॉइंट को उठाना है जो कि आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा. तो जो दो आर्ग्यूमेंट्स आप निकालेंगे वो आपके दो, उससे आपके दो पैराग्राफ्स बन जाएंगे, ठीक है. और जो आप एक अगेंस्ट में जो निकालोगे पॉइंट वो आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट बन जाएगा. एम आई क्लियर क्लास? यस मैम. ओके, टिल नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम. एनी क्वेश्चन? यस मैम. यस यस, यू कैन आस्क इफ यू हैव क्वेश्चन. मैम मैं वोना से, मतलब कि हम लोग जो फर्स्ट क्लेम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें मेनली हम लोग जो टॉपिक होगा उसकी हिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे ना, मींस वो कैसे आया, कहां से आया और क्यों आया. नो, देखिए बेटा, द फर्स्ट पैराग्राफ योर एसे शुड बी द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ठीक है. इन दैट पैराग्राफ यू विल गिव सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक. Yes, ma'am, clear? I mean background information, like पहले कैसे, मतलब हिस्ट्री थोड़ी सी, मतलब वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था और क्या क्या वजह थी उसकी. Yeah, that would be the introduction paragraph. Now we are claiming, we are giving some arguments to support our topic. ठीक है, तो यहाँ पे claim number one और claim number two आ जाएगा. Claim one का एक paragraph बनेगा और claim two का एक paragraph बनेगा, और जो third paragraph होगा that would be the counter claim. Okay, Anusha? Yes, ma'am, I got it. ओके गुड मैम, ये तीनों जो पैराग्राफ, जो दो हम लोग सपोर्ट में और एक अगेंस्ट कर रहे होंगे, ये तीनों एज अ इंट्रो होंगे या वो इंट्रो के बाद के पैराग्राफ हैं? वो इंट्रोडक्शन के बाद के पैराग्राफ्स हैं. यानी बेसिकली यू आर हैविंग फाइव पैराग्राफ्स. द फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. द सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ वुड बी द क्लेम पैराग्राफ, क्लेम वन एंड क्लेम टू. एंड द फोर्थ पैराग्राफ वुड बी द काउंटर क्लेम पैराग्राफ. एंड द फिफ्थ पैराग्राफ वुड बी द कंक्लूजन पैराग्राफ. वी कॉल दिस फॉर्मेट हैमबर्गर, ठीक है. हम इस फॉर्मेट को हैमबर्गर फॉर्मेट भी कहते हैं. हैमबर्गर फॉर्मेट कैसे, कि जो दो बन्स हैं, जो फर्स्ट बन है दैट वुड बी द इंट्रोडक्शन एंड द लास्ट बन वुड बी द
कंक्लूजन और बीच में आपका आता है टोमेटो और चीज और जो आपका पैटीज है जो आप यूज कर रहे हो या जो कबाब आप यूज कर रहे हो, वो तीन चीजें, तो वो तीन चीजें आपकी बॉडी पैराग्राफ्स हो जाते हैं. तो यह इसको हम कहते हैं हैमबर्गर फॉर्मेट भी कहते हैं, यानी जिसमें 5 पैराग्राफ्स, वो हैमबर्गर हमारा फॉर्मेट होता है जिसके मुताबिक हम अपने ऐसे लिखते हैं. तो यस, 2 पैराग्राफ आपके जो है वो क्लेम के लिए होंगे, 1 पैराग्राफ आपके काउंटर क्लेम के लिए होगा. सो दीज वुड बी पैराग्राफ्स. तो इंट्रोडक्शन तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए खत्म कर दिया. नाउ यू विल मूव ऑन एंड सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद एविडेंसेस, प्रूफ्स, फैक्ट्स, डाटा एंड मेनी अदर थिंग्स. यू कैन ऑल्सो गिव सम क्या कहते हैं उसको, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड डेटा. टेबुलेटेड फॉर्म में भी आप इसको जो है वो अपने डेटा को फराहम कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो मेक ग्राफ्स. आप ग्राफ्स भी इसमें बना सकते हो, ठीक है. तो यानी क्लेम में, अपने क्लेम में आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं. तो मतलब कहने का ये है कि आपके जो 5 पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ्स में से 2 क्लेम्स के होंगे और 1 काउंटर क्लेम का होगा. सो In claim paragraph, your opinion or position on an issue would be discussed, and it must be supported with evidences. You will have to provide with some evidences. आपको आप अपने अपने उस claim के लिए आप quotes लिख सकते हो, कोई facts भी दे सकते हो, percentages भी दे सकते हो, numbers में ग्राफ्स भी बना सकते हो, टेबल्स भी बना सकते हो, ठीक है. यू कैन डू मेनी थिंग्स टू सपोर्ट योर आइडिया, टू सपोर्ट योर टॉपिक, टू सपोर्ट योर क्वेश्चन. ओके, देन लेटर ऑन यू विल एक्सप्लेन द एविडेंसेस विच यू हैव प्रोवाइडेड. ओके, आपने जो एविडेंसेस दिए हैं ना, उनको आपने एक्सप्लेन करना है. एम आई क्लियर क्लास? यस मैम. यस मैम. In both of the paragraphs, in both of the claim paragraphs, you will write the claim. First, you will write the claim. आप claim को लिखोगे, then you will give evidences, and then you will tell why it is important. ठीक है, the claim, जो आप claim, जो point बता रहे हो. And the fourth thing would be the introduction to the next paragraph, because that would be the bridge between your paragraph and the current paragraph and the next paragraph. Okay? तो claim आपने बताना है और claim को evidence देना है कि ये claim आपका क्यों सही है. तो evidence में आपने explain करना है, quotes, facts, कुछ भी देकर. और फिर तीसरा जो point इसमें लिखना है, that would be कि why is it important? ये claim क्यों important है. फिर जो fourth आपका जो है वो point होगा, वो होगा नेक्स्ट पैराग्राफ के हवाले से. ठीक है, सो दिस इज द पैराग्राफ्स फॉर योर क्लेम. ओके, यहाँ पे आपने क्लेम किया है तो ये वो पैराग्राफ आपने लिखा है. ओके, देन यू विल राइट द काउंटर क्लेम पैराग्राफ, जिसके अंदर आपने रिबट भी किया होगा. तो इट वुड बी बेसिकली द रिबटल, द काउंटर क्लेम एंड द रिबटल पैराग्राफ. रिबट का मतलब है आपने उसको डिनाय करना है, और काउंटर क्लेम, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, क्लेम जो आप अपने क्लेम वो होता है, वो पॉइंट्स होते हैं जो आप अपने आइडिया को, अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए देते हैं. लेकिन जो काउंटर क्लेम है ना, दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर आइडिया. ठीक है, यानी वो ओपिनियंस जो लोग उसके बारे में, दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं. ठीक है, मतलब आपका अगर कोई आर्ग्यूमेंट है और उस आर्ग्यूमेंट पे आपका क्लेम है, आप वो आर्ग्यूमेंट आप उसको सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हैं कि ऑन कैंपस क्लासेस जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सही, मतलब वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं. तो ऑन कैंपस क्लासेस के आप एविडेंसेस देते हो, दैट इज़ योर क्लेम, एंड यू गिव सम पॉइंट्स सपोर्टिंग योर ओपिनियन कि ऑन कैंपस क्लासेस होनी चाहिए. बट देर आर सम पीपल, ठीक है, जो कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑनलाइन ऑन कैंपस एग्जाम के लिए, जो आपका अपना, आपकी लाइफ एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि आप ऑन कैंपस जो एग्ज़ाम्स है उसका फ़ायदा होता है. आप ये क्लेम कर रहे हो कि ऑन कैंपस एग्जाम्स का फ़ायदा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं हु आर आउट देयर एंड हु आर अगेंस्ट अ नोशन, अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ऑन कैंपस एग्जाम्स. ठीक है, तो क्लेम में तो आपने ये बता दिया कि भाई आई सपोर्ट ऑन कैंपस एग्जाम्स एंड आई हैव दीज क्लेम्स, आई हैव दीज पॉइंट्स, आई हैव दीज एविडेंसेस टू सपोर्ट. सो व्हाट यू विल राइट इन योर काउंटर क्लेम, यू विल राइट इन योर काउंटर क्लेम अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर आइडिया. आप कहेंगे कि देर आर मेनी पीपल हु बिलीव दिस दीज नेगेटिव थिंग्स अबाउट द आइडिया. मतलब बहुत से बच्चे शायद ये कहें कि ऑन कैंपस एग्जाम
मैम जो है वो नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हमारा ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, और दे हैव देयर ओन रीजंस फॉर दैट. सो हियर इन काउंटर क्लेम पैराग्राफ यू विल कोट दोज थिंग्स, यू विल राइट अबाउट दोज आर्ग्यूमेंट्स. लाइक सम पीपल से दैट इट इज ईजियर फॉर देम टू राइट इन एन ऑनलाइन क्लास. सम पीपल से दैट ऑन कैंपस एग्जाम्स आर नॉट गुड, एंड इन ऑनलाइन एग्जाम्स दे आर एबल टू राइट मोर प्रोफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली, एंड दे आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स when they give online exams. ठीक है, जो ये उनके पॉइंट्स हैं, ये उनका मानना है, तो आप उनकी बातों को बता रहे हो. ठीक है, तो वो काउंटर क्लेम हो जाएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास, ये काउंटर क्लेम है आपका. ठीक है, तो आपने उनके पॉइंट्स बता देने हैं कि भाई लोग ये बिलीव्स रखते हैं इस आइडिया के बारे में, मेरे आइडिया के अगेंस्ट. फिर उसी पैराग्राफ के नेक्स्ट पोर्शन में आपने रिबट करना है, रिफ्यूटेशन होगा, जिसमें आप इनकार करोगे कि ये जो काउंटर क्लेम्स है दीज आर वीक, एंड वट एवर आई एम सेइंग एंड वट एवर आई एम सपोर्टिंग इज करेक्ट, इट इज राइट, इट मेक्स सेंस एंड इट इज स्ट्रोंगर. यस सईद मारूख, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम. मैम वो लिंता खान मुझे मैसेज कर रही हैं कि मेरा लाइट चली गई थी, तो मुझे मैम को कोइन कर लिया मीटिंग में. तो आई हैव एडमिटेड हर, शी इज देयर इन द मीटिंग राइट नाउ. चलिए, ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, ओके. आपको अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अदरवाइज डोंट डिस्ट्रैक्ट मी लाइक दिस. मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूं, मैं सही से नहीं आप लोगों को लेक्चर दे पाती. एनीवेज, इन काउंटर क्लेम यू आर कोटिंग अदर पीपल्स ओपिनियंस अबाउट द टॉपिक, अबाउट द आर्ग्यूमेंट, अबाउट द क्वेश्चन, एंड यू राइट देयर, यू कैन से their stances, their point of views, and their reservations about this. ठीक है, और उसी पैराग्राफ में आप उनके उन काउंटर क्लेम्स को आप रिफ्यूट करोगे, इनकार करोगे कि ये सही नहीं है, इसके ये पॉइंट्स हैं जो गलत हैं, तो ये फिर सही नहीं है. मतलब ये कि आप इसमें जो है वो अपने टॉपिक के अगेंस्ट लिखोगे और उसको इनकार भी करोगे कि ये चीज़ें वीक हैं. ठीक है, सो टर्न अगेंस्ट योर आर्ग्यूमेंट टू चैलेंज इट, दैट इज अ काउंटर क्लेम, देन टर्न बैक टू रीअफर्म योर पोजीशन, दैट इज द रीबटल. तो फर्स्ट यू विल गिव सम आर्ग्यूमेंट्स टू दैट वुड बी अगेंस्ट योर टॉपिक, अगेंस्ट योर आइडिया. ठीक है, यू आर चैलेंजिंग योर आइडिया, यू आर चैलेंजिंग योर आर्ग्यूमेंट. फिर जो दूसरी चीज़ है, दैट इज रिबट, देन यू रिबट एंड रिफ्यूट योर दैट काउंटर क्लेम, दैट काउंटर आर्ग्यूमेंट. समझ आ गई? तो काउंटर क्लेम एंड रिबटल पैराग्राफ में सबसे पहले आपने अपने टॉपिक, अपने आइडिया के अगेंस्ट आपने कुछ ओपिनियंस लिखने हैं, और उन ओपिनियंस को आपने डिनाई भी करना है कि ये गलत है, उसको कहते हैं रिबट, रिबटल या रिफ्यूटेशन. So the opposing side, when you write the opposing side, when you write the counter claim, when you write the counter argument paragraph, you will ask these questions from yourself. Who might disagree with my position? कौन मेरी पोजीशन से, मेरे आइडिया से या मेरे आर्ग्यूमेंट से डिसअग्री करेगा? And why would he disagree with my position? ठीक है, फिर आपने लिखना है, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट रीजंस डू पीपल हैव फॉर डिसएग्रीइंग विद मी. सो द यू विल गिव रीजंस व्हाई दे आर डिसएग्रीइंग विद यू, एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट एविडेंस वुड सपोर्ट एन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट. आप कुछ एविडेंसेस दोगे अपने उस अपोजिंग आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, ये था काउंटर आर्ग्यूमेंट का. रिमेंबर क्लास, व्हेन यू राइट काउंटर क्लेम, you use such phrases, such type of phrases, like you can say, one might object that, or it might seem that, or it's true that, yeah, admittedly, yeah, of course. Okay, these are some examples I have given you, and yes, I will share a website with you which will help you in locating such paragraphs, such phrases for your claims and counterclaims. Maybe aage jaakar aapko wo website ka main dungi hawala. Theek hai, okay. रिबटल क्या होता है? रिबटल इज रिटर्न टू योर ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट बेस्ड अपॉन केयरफुल रीजनिंग, शो व्हाई काउंटर आर्ग्यूमेंट इज मिस्टेकन एंड एक्नॉलेज इट, बट शो व्हाई इट इज लेस इम्पोर्टेंट. अगर फॉर एग्जांपल आप रिबट देते हो, रिबटल या रिफ्यूज जिसको हम कह रहे हैं, इनकार आप कर रहे हो, तो रिबटल में आपने ये बताना है कि ये जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है ये क्यों वीक है, और आपने रीजन्स देने हैं
the reason should be logical, or show why counter argument is mistaken, or sometimes your counter argument is partially correct, partially right, partially okay. At that time, acknowledge that. Okay, aap keh sakte hain ki yes, it is also true that such thing happens, but this is weaker. And the argument which I am making is stronger. Take care. Yes, Komal Amin. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह कोई भी टॉपिक है उसके बारे में क्लेम जो हम लोग देंगे तो वो उसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट होंगे. अब अगर मेरा ही उस टॉपिक के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट है, लाइक मुझे उसमें ये चीज जो मुझे लगता है नेगेटिव साइड पे, तो फिर काउंटर क्लेम में मैं ये कह सकती हूँ कि आई फाइंड दिस थिंग विच इज नॉट ट्रू और योर डेफिनेटली कोमल जो आपका आइडिया होगा दैट वुड बी योर क्लेम, चाहे आप उसके अगेंस्ट हो चाहे आप उसके फेवर में हो. योर पॉइंट एंड योर आइडिया इज और योर ओपिनियन इज द क्लेम. ठीक है, दैट इज द क्लेम. तो जिस चीज को आप सपोर्ट कर रहे हो दैट वुड बी क्लेम. और फिर अगर आप कहते हो कि भाई मैं इस, मुझे लगता है आप कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऑन कैंपस जो एग्जाम्स है वो सही नहीं है. ठीक है, आप ये कहती हैं तो वो आपका क्लेम है. लेकिन जो काउंटर क्लेम होगा वो ये होगा कि मोस्ट पीपल थिंक दैट ऑन कैंपस एग्जाम्स आर गुड. ठीक है, दे सपोर्ट दिस, दे सपोर्ट देयर आईडिया विद दिस 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 एविडेंस एंड बट आई थिंक दैट दैट इज वीकर. गिव योर ओन एविडेंस अबाउट अबाउट रिबटल ऑफ दैट काउंटर क्लेम. ठीक है, आपने अपना एक आइडिया देना, अपना एक एविडेंस देना है, उसको रिबट कर देना है, उसको रिफ्यूट कर देना है और उसको डिनाई कर देना है कि नहीं मेरा जो नजरिया है ठीक है, ये चीजें भी सही हैं लेकिन ये वीक हैं, ये इतने स्ट्रोंग नहीं है. बट माई आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रोंगर कि ऑन कैंपस क्लासेस, ऑन कैंपस एग्जाम्स आर नॉट गुड. ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्लेम जो होगा वो आपका, आपका जो आइडिया है वो आपका क्लेम होगा, और जो आपके आइडिया के अपोजिंग आइडियाज होंगे वो जो है आपका काउंटर क्लेम होगा. ओके मैम, लेकिन उसको लिखना ही है कि अदर पीपल थिंक दैट दिस इज रॉन्ग है ना यार. ठीक है, जैसे वन माइट ऑब्जेक्ट दैट, आप लिखे वन माइट ऑब्जेक्ट दैट, या आप लिखे इट माइट सीम दैट, आप कहेंगे इट इज ट्रू दैट, आप मतलब बाज़ों का आप मानते हैं इस चीज को, लेकिन लगता है कि ये चीज ट्रू तो है बट दैट्स वीकर, दैट्स नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. ठीक है, और आप कहते हैं आप एडमिट भी, सब एडमिटेडली भी आप कह सकते हैं यस आई एडमिट दिस थिंग, बट आपने उसको रिफ्यूट किया. फिर हम कहेंगे ऑफ कोर्स दिस थिंग इज देयर बट अगेन यू विल रिबट दैट थिंग. क्लियर कोमल? यस मैम. ओके क्लियर. ओके गुड. Okay, so here we are having an example of claim and counterclaim. The claim is more Americans are choosing low-carb diets because the media promotes low-carb diets as the new way to a skinnier body. Okay, this is your claim. Your claim is Americans are choosing low-carb diets because the media is, because it's because the media is promoting low-carb diets as the new way to a skinnier, a slimmer body. Ye aapka claim hai. The counter claim is some Americans don't watch television commercials because they own a DVR or TiVo, but most Americans are exposed to other forms of advertisement in magazines, newspaper and highway billboards. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप काउंटर क्लेम क्या दे रहे हैं कि मीडिया प्रमोट नहीं करता, जरूरी नहीं है कि मीडिया प्रमोट करे. यानी कुछ अमेरिकन, कुछ लोगों का ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि मीडिया जो है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हो, वो दूसरी चीज़ें भी देख रहे होते हैं, उनके पास टीवी नहीं होती या उनके पास वो कमर्शियल्स नहीं देखते. ठीक है, तो अपने ही क्लेम को उसे काउंटर क्लेम किया और उसको बाद में उसको रिबट भी करता है. ठीक है, ओके, यू हैव टू बी कॉशियस. It is true that counter arguments enrich argumentative writing. When you add a counter argument or a counter claim, that makes your argumentative writing stronger, that enriches your argumentative writing. Okay? However, adding a weak counter argument or overdoing it cause worse results. आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो वीक ना हो, एक स्ट्रोंग सा काउंटर आर्ग्यूमेंट दें जिसको देकर मजा आए और जिसको डिनाई करने में भी मजा आए. एक वीक सा देंगे जो शुरू से ही जिसके बारे में लोग कहते हैं कि हाँ ये सही नहीं है, तो बेहतर है, उसका फायदा नहीं होगा. बेहतर है कि आप एक स्ट्रोंग सा काउंटर आर्ग्यूमेंट दें जिसको आप रीबर्ट जब करें तो मजा आए और मतलब उसमें ज्यादा एक ट्विस्ट हो और एक उसमें जो है वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो. ओके,
So argumentative essay ka jo review hai, that is the goal is to persuade your reader to believe in or agree with your point of view. The basic structure is introduction, claim one, claim two, counterclaim and rebuttal, and conclusion. Keep your tone polite and rely on evidence to support your claims. Yes, it's the most important point. You have to keep your tone polite. Theek hai, aap harshly badtameezi ke sath aap nahi likh sakte hain aur aise words, offensive words nahi likh sakte hain kisi aur ke bare mein. Even aap jab counter claim bhi karte hain to you have to use polite language. Ek achhi language aapne use karni hai. Politely aapne usko refuse karna hai, refute karna hai ya rebut karna hai. Theek hai? So you have to be careful about your language. Okay, class, do you have any question? Ji class, koi question hai? No ma'am. Hai to pooch le. Okay, class, right now what I'm doing is I'm sharing the website with you, and I will share this website on your LMS also, and I will share the website also to the CR or the GR of your class, and he will share that in your group. Okay ma'am. Abhi jo main kar rahi hu, that is I am stop sharing my screen and again sharing my screen and opening the website. Class, look at your screen. Is it visible? Yes ma'am. ये जो वेबसाइट है, ये वो वेबसाइट है जिसका मैं जिक्र करती रही थी कि यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ यूजफुल फ्रेजेस एंड वर्ड्स टू फॉर योर एकेडमिक राइटिंग. स्पेशली आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो कैन यू सी दीज थिंग्स, दीज वर्ड्स आर देयर. How to start your essay. ये जैसे आप किस तरह से जो है वो अपने essay को start कर सकते हैं. और फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्टरी मार्क्स यहाँ पर हैं. द पर्पज ऑफ दिस एस्से इज, और द एम ऑफ दिस एस्से इज टू आंसर अ क्रूशियल क्वेश्चन, और द एस्से रिपोर्ट डील्स, द एस्से डील्स विद, और वी आर गोइंग टू टैकल द क्वेश्चन. ये क्या है, ये इंट्रोडक्टरी मार्क्स हैं. आप जब स्टार्ट करते हैं ना कोई एस्से तो आप ये चीज़ें लिखते हैं. देन यू हैव दिस थिंग डिवेलपिंग और स्टार्टिंग द आर्ग्यूमेंट. आप जब स्टार्ट करते हो तो आप ये लिखते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस. इसको कहते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस. तो आप यहाँ पर डेवलपमेंट में आप क्या करेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी सेट इज दैट, और व्हाट शुड बी एस्टैब्लिश्ड एट द वेरी आउटसेट इज दैट, और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर टू स्टार्ट विद, लेट अस कंसीडर ये. हाँ, अब जब आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में आप जारी बात है आप जो है वो क्लेम करते हैं, काउंटर क्लेम करते हैं, तो आप you normally use these phrases, the other side of the argument. Aap kahenge, on the other hand it is believed that, it may be asserted however that, or another way of looking at this question is, however it is open to question whether, or paradoxical though it may seem, or let us now go on to consider. To ye likh diya. Isi tarah बैलेंस व्यू के लिए आप क्या कर लिख सकते हैं, मौजूद है यहाँ पर. इन कंक्लूजन आपने करनी है, कंक्लूजन कैसे करेंगे, पैराग्राफ को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑर्डरिंग वेरियस एलिमेंट्स विद इन इट. इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द फ्रेजेस एंड वर्ड्स विच यू हैव टू यूज इन योर आर्ग्यूमेंटेटिव एसे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज फार एज द blank is concerned, this brings us to the question of whether we should first turn our attention to, and then you add something, sentence connectors, also besides, moreover, your one's own point of view. You are giving, of course, in argumentative essay, in claim, you give your own point of view. You use, in my opinion, for my part, or my own view of this is that, in my personal opinion of this argument is that, or speaking personally, it seems to me, I maintain that. ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें वो हैं जो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने के लिए लिखना है. ठीक है, ओके. देन इंक्लूडिंग एन एग्जाम, ओके, समवन एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू. यस, इन योर काउंटर क्लेम, इन योर काउंटर आर्ग्यूमेंट यू विल राइट अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू मेनी अदर पीपल, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, अकॉर्डिंग टू द लॉयर्स, और इफ आई अंडरस्टैंड द राइटर राइटली, और द राइटर क्लेम्स दैट, और द राइटर गिव्स अस टू अंडरस्टैंड दैट. और यहाँ पर और भी आप एग्जाम्पल्स आप देखें, ये देखें, ये सारे
these are all the phrases which is like which are useful in writing your or in constructing paragraphs in your essay. ठीक है तो आई विल शेयर दिस वेबसाइट एड्रेस विद यू. ओके ओके क्लास टिल नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम. ओके नो मैम. यस ये आप लोगों का इट्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इट्स पार्ट ऑफ योर मिड टर्म एज वेल एज योर फाइनल एग्जाम सिलेबस सो यू हैव टू लाइक प्रिपेयर इट वेरी keenly क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से prepare नहीं किया तो आपके 10 marks lose हो जाएंगे because I'm gonna give this essay in your midterm and in your final as well. तो उसको आपने इसको अपने अच्छे से तैयार करना है. I will upload the recording of this lecture on LMS. I will also share the PPT slides and I will also share the website with you. And I also expect you people to use those phrases and words from that website in your essay. ठीक है आपने क्या करना है memorize some. देखिए मैं ये नहीं कह रही कि पूरे के पूरे sentences और phrases जो वहाँ पे मौजूद है website पे उसको आप पढ़ें. No, write down some important and interesting phrases and memorize those phrases. उन phrases और उन words को आप memorize करें, याद कर लें ज़बानी. ठीक है याद कर लें और जब आपका exam हो तो आप उन exam में उन चीज़ों को लिख सकें. And you will you have some marks for that thing as well. आपके मैंने कुछ marks allocate मैंने कर दिए हैं इस website के जो phrases है उसके लिए. तो final exam और आपका जो mid term के exam है उसमें मैं यही चीज़ें आपको यही चीज़ मैं आपकी देखूंगी. कुछ पॉइंट्स कुछ मार्क्स रखूंगी इसके लिए. 10 में से 2 मार्क्स आपके होंगे इसी चीज़ के लिए कि हाउ डू यू यूज़ दीज फ्रेजेस एंड वर्ड्स और वेदर यू यूज़ दीज फ्रेजेस एंड वर्ड्स इन योर एस्से और नॉट. एंड हूएवर विल नॉट यूज़ दीज फ्रेजेस एंड दीज वर्ड्स इन देयर एसेज आई विल नॉट मार्क देम. आई विल डिडक्ट 2 मार्क्स फ्रॉम देयर ओवरऑल मार्क्स. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, kindly mids ka complete syllabus bata de ek baar. Okay, fine. Okay, yes. Okay, fine. So I will share that at the end of the lecture. Let me just take your attendance. Yes, class, you are also having a quiz related to this topic, related to this lecture also. And that would be on campus quiz. And I will take your quiz on campus. Okay. So, aapka wo jo hai on campus quiz hai. Aapka modules ho rahe hain. To quiz uske darmiyan mein hoga. बेटा आपके मिड्स के फौरन बाद फाइनल एग्जाम्स शुरू होंगे तो फिर मैं कब आपके जो है वो क्विजेज और आप लोगों के प्रेजेंटेशंस या आप लोगों के असाइनमेंट्स लूंगी. यानी आप ये समझ देखिए 5 से लेकर अगस्त के एंड तक आपके एग्जाम्स चलते रहेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ इस मामले में. मैम नो 16 ऑफ जुलाई हमारे खत्म हो जाएंगे मिड्स. नहीं फिर अभी आगे आपके फाइनल एग्जाम्स भी तो होने हैं ना. फौरन बाद फाइनल एग्जाम्स होंगे. नो मैम. नो मैम. यस हमारे भी मिड्स के बाद आपको पता है हमारा जो ये कोर्स है वो खत्म होने वाला है और वो इंशाल्लाह खत्म होगा जुलाई में ही आपका खत्म होगा. तो अगर आपका 16 को एंड भी हो रहा है तो इट मीन्स के आप तब 16 तक आपका ये हमारा जो अभी ये कोर्स है ये भी एंड हो चुका होगा तकरीबन. तो मैं आपका अलग से फिर कैसे ले सकूंगी क्विज और अलग से जो है असाइनमेंट कैसे ले सकती हूँ. डेफिनेटली मैं आपका कोर्स के दौरान ही लूंगी ना. तो अगर 16 तक अगर आपका चलता है जुलाई के तो आज है 2nd ऑफ जुलाई 16 तक हमारे मजीद कितने लेक्चर्स हो जाएंगे. 1 2 3 4 मजीद लेक्चर्स होंगे. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम मैम. लेकिन एग्जैक्टली हमारे मिड्स चल रहे हैं मैम. हम मिड्स की प्रिपरेशन करेंगे इस क्वेश्चन. बेटा दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम. दैट्स नॉट टीचर्स प्रॉब्लम. ओके आप ये ना समझे कि आपका ये है तो ये हमारा सारी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स ही फेस कर रहे हैं. टीचर अकाउंट आप हम भी कर रहे हैं. सिर्फ आप नहीं कर रहे. हम भी इस चीज से गुजर रहे हैं. हम भी बहुत सफर कर रहे हैं. आप ये ना समझे कि आप स्टूडेंट्स हैं. आप लोग तो अपनी मर्जी के मालिक हैं. हम सफर कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली आप लोगों को हम लोग रीटेक्स ले रहे हैं. आप लोगों के दोबारा हम लोग असाइनमेंट्स ले रहे हैं. दोबारा क्विजेज ले रहे हैं. इवन मिड टर्म्स भी हम दोबारा ले रहे होते हैं. हम लोग हैं जो आप लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं. आप लोग तो कभी हमें बख्शते नहीं है. हमारी जरा सी बात की पकड़ कर लेते हैं आप लोग. हाउ कैन यू से कि आप सफर कर रहे हो.
सफर तो टीचर्स करती हैं, जो फाइनल एग्जाम्स के दिन भी आके बच्चे हमसे कह रहे होते हैं कि प्लीज हमारा मिड टर्म ले लें, प्लीज हमारा फलाना मिट ले लें, प्लीज हमारा फलाना क्विज ले लें. Who is being suffered here? Your teachers are being suffered, not you people. You cannot say कि आप लोग जो है सफर हो रहे हो. बिल्कुल सफर नहीं हो रहे आप लोग. और देखें आपका जो सा भी क्विज चल रहा है, दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम. मेरा क्विज 13 को है, तो 13 तक मुझे मेरी मर्जी है कि मैं आपके क्विज लूं, असाइनमेंट लूं, प्रेजेंटेशन लूं या ना लूं. ठीक है, आप मुझे नहीं इंस्ट्रक्ट कर सकते कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. यू आर नॉट द टीचर. यस मैम. दोबारा मुझे इंस्ट्रक्ट ना करे कि मैंने क्या करना है. आई एम टेलिंग यू. Okay, आप लोग मुझे ना बताएं कि हु इज बीइंग सफर्ड एंड हु इज नॉट बीइंग सफर्ड. दैट्स सो डिस्कार्टियस ऑफ यू. आप टीचर को यहाँ पे आके डिक्टेट कर रहे हो कि कौन सफर कर रहा है कौन नहीं कर रहा. टीचर आप गलत कर रही हैं, टीचर आपको नहीं लेना चाहिए. तो फिर हम क्या करें? हम ये देखें कि आपका थ्रू आउट जो है वो, अगर आप लोगों के बाकी कोर्सेज के एग्जाम्स हो रहे हैं, ये क्विजेज हो रहे हैं, ये वाइवाज हो रहे हैं, तो दैट हैज नथिंग टू डू विद माय कोर्स. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय कोर्स. और मुझे भी अपने कोर्स के कुछ रिक्वायरमेंट्स वो पूरे करने हैं. मुझे अपने कोर्स के लिए कुछ क्विजेस, कुछ असाइनमेंट्स, कुछ प्रेजेंटेशंस लेके मुझे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तक मैंने पहुंचाना है. मैं भी आंसरेबल हूँ. मुझसे पूछेंगे कि भाई आपने अपनी क्लास में क्विजेस क्यों नहीं लिए, आपने अपनी क्लास के असाइनमेंट्स क्यों नहीं लिए, प्रेजेंटेशंस क्यों नहीं, मुझसे पूछा जाएगा ना. तो अगर मैं नहीं लूंगी तो कल को जवाबदेह मैंने होना है. तो मुझे प्लीज डिक्टेट ना करें और मुझे ये ना बताएं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना. मुझे आप लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम पर. एक तो आप लोगों की हर बात में मान रही होती हूँ, हर टीचर आप लोगों का कम्युनिकेट कर रहा होता है मुख्तलिफ तरीकों से, और एंड में आप लोगों का जवाब ये होता है कि सफर तो स्टूडेंट कर रहा है, टीचर तो बड़े बड़े मजे में बैठी हुई है, चिल कर रही है. लेक्चर्स तक के लिए मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेजेस कर करके बुला रही होती हूँ. बेचारी सीआर और जीआर लगे होते हैं कि आ जाओ भाई खुदा का वास्ता क्लास ले लो आके. मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ कि प्लीज क्लास ले लो. मैं रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ कि प्लीज क्विज दो, प्लीज असाइनमेंट दो, प्लीज अपना एग्जाम दो, प्लीज आप लोग अपने अटेंडेंस देखें, प्लीज ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है आ जाएं. कौन करता है दुनिया में ऐसा? कोई टीचर नहीं कर रहा होता ऐसा कि अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करे कि प्लीज आकर क्लास ले लो. कोई भी नहीं करता ऐसा. सफर तो हम हो रहे हैं जो आप जैसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और आप लोगों की बातें भी हम सुन रहे हैं. Anyways, class, आप लोगों का जो मिड टर्म है दैट इज ऑन 13 जुलाई, और आप सबको इस बात का पता चल गया होगा कि आप लोगों का मिड टर्म है उस दिन. अब देखिए आज 2 जुलाई है और मैं 13 जुलाई तक मैं कोई एक्टिविटी ना करूं जबकि 4 मेरे लेक्चर्स होंगे इस दौरान. तो ये नहीं हो सकता कि मैं कोई एक्टिविटी ना रखूं. आप लोगों का कल जो है वो फाइनल सबमिशन होगा आप लोगों का असाइनमेंट का. उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को ऑन कैंपस एक मैं क्विज रखूंगी जिसमें जो आप लोगों, अगर आप लोगों ने लेक्चर सुना है गौर से तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा. और ये क्विज मैं आप लोगों का रखूंगी इसी आपके ये एसे से रिलेटेड, और उसमें टेंसेस से रिलेटेड भी होगा. टेंसेस और एसे दोनों होंगे. तो वो मैं आप लोगों का लूंगी इसी नेक्स्ट वीक में. किसी दिन आपको बुला के मैं आप लोगों का क्विज ले लूंगी और उसके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों की मिड टर्म्स के बाद हम आपके प्रेजेंटेशंस में आपके लूंगी. लास्ट के लेक्चर्स में आपकी प्रेजेंटेशंस भी डेफिनेटली मुझे वहाँ पे ऐड करनी होंगी. तो आपके जो प्रेजेंटेशंस है वो मैं लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में लूंगी जो कि मिड टर्म के बाद होगा, 13 जुलाई के बाद होगा वो आपके. तो इंशाल्लाह तब मैं आप लोगों के जो है वो प्रेजेंटेशंस दूंगी. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, ऐसा हो सकता है कि आप हमारा मिड वाले दिन पे ही क्विज ले लें क्योंकि वो तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा. नहीं ना, देखिए मिड वाले दिन फिर ये होगा कि बच्चे कुछ लिख कर चले जाएंगे, कुछ लिखते रह जाएंगे, तो वो टीचर के लिए और बच्चों के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन टीचर ज्यादा सफर करते हैं उसमें. मैम वो मसला ये है ना कि बाकी में भी हमारे इसी तरह ही है, ज्यादा टाइमिंग होंगी तो फिर वो बाकियों में भी इसी तरह मैम लिखना होगा ज्यादा, तो वो इसकी मसला है. और दूसरा कुछ टीचर्स ने तो वो लॉन्ग आंसर्स भी रखे हुए हैं. मिड टर्म में ये होगा कि हमें एक स्लॉट दिया गया है मॉर्निंग का, ठीक है, 8 बजे का स्लॉट दिया गया है, यानी आपके पास ज्यादा घंटा 1.25 घंटा होंगे लिखने के लिए. वैसे तो नॉर्मली 1 घंटे का पेपर होता है, तो 1 घंटे का पेपर आपका होगा तो आप देखिए हमें उसी दौरान वो रूम मिलेगा, उसके बाद वो रूम बंद हो जाएगा और हमें निकाल देंगे, उसमें दूसरे क्लास के बच्चे आएंगे, यानी हमें ज्यादा देर नहीं रखेंगे वहाँ पे.
आप समझ रही मेरी बात, रूम्स एलोकेट हो चुके हैं पहले से, मुख्तलिफ क्लासेस के मिड टर्म्स हो रहे हैं, तो सबके लिए वही रूम जो है वो एसएचएस के बच्चों को एलोकेट करेंगे मुख्तलिफ स्लॉट्स में, तो हमें निकलना पड़ेगा. और डेफिनेटली आपके क्विज के लिए भी आधा घंटा या 20 मिनट तो चाहिए होगा, तो उसके लिए फिर आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम होगी. तो इसलिए क्विज मैं आप लोगों का बीच में किसी दिन ले लूंगी. मैम सॉरी, मैंने ये कहना था मैम 9th जुलाई को ना जो हमारी क्लास होती है ना 3:30 पे इंग्लिश की ना, तो मैम 3:30 पे ना हम लोगों का थेरेप्यूटिक्स का जो है ना वो मिड है, तो आप अगर हमारी मतलब क्विज की टाइमिंग उसके लिहाज से देख लें फिर. हाँ नहीं बेटा, आप देखें आपका अगर क्लैश आ रहा है ना तो आपने अपने रिसोर्स पर्सन को इन्फॉर्म करना है कि उस दिन हमारा लेक्चर है और हमारा क्लैश आ रहा है, काइंडली ये क्लैश ख़त्म कर दें, क्योंकि अलाउ नहीं है कि लेक्चर के टाइम पे यानी किसी और लेक्चर के टाइम पे आपका कोई और एग्ज़ाम हो. ठीक है, अगर क्लैश आ रहा है तो टॉक टू रिसोर्स पर्सन, जिस दिन जो आपका मिड टर्म है वो उनसे बात करें रिसोर्स पर्सन से, और उनसे बात करने के बाद आपको कोई और टाइम या कोई और स्लॉट वो आपको देंगे. मेरा लेक्चर में आप लोगों के मिड टर्म की वजह से मिस नहीं कर सकती. ओके मैम, फिर वो सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं ना इशू, मतलब हमारा फुल बता रही हूं कि पूरी क्लास का है, पूरी क्लास का है ना आपका, हम लोग मेल करते हैं होता है, तो वो आपने रिसोर्स पर्सन से कहना है, क्योंकि इस तरह के क्लैशेस मेरे दूसरे क्लासेस में भी हुए हैं, मेरे कलीग्स की क्लासेस में हुई हैं, तो उन्होंने यही किया है कि उन्होंने अपना जो एग्जाम था वो फिर किसी और स्लॉट में कर दिया, क्योंकि उस स्लॉट में बच्चों की ऑलरेडी जो है वो क्लासेस थी. ओके मैम, तो आपने अपने टीचर को ईमेल करनी है या फिर ये कि टेक्स्ट कर दे उनको और उनसे कहें कि वो आपको जो है वो इसका स्लॉट आगे पीछे कर दे, क्योंकि उस टाइम पे आपका ऑलरेडी आपकी क्लास है. ओके मैम, वैसे फ्राइडे वाले दिन 6 जो स्लॉट होता है वो 3:30 पे ही होता है ना ये? हाँ, 3:30 पे ही होता है 6 स्लॉट. ठीक है मैम. ओके मैम, और ये हम लोगों का जो क्विज होगा ये सब्जेक्टिव टाइप ही होगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप? इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ सब्जेक्टिव, पार्शियली सब्जेक्टिव होगा और पार्शियली ये ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि टेंसेस मैंने आपको देने ना, टेंसेस हमने इसको टेंसेस जो है वो डिस्कस किए थे अगर आपको याद हो तो, टेंसेस भी मैं आप लोगों को दूंगी और उसमें से आपका जो है वो इसके हवाले से भी होगा, आपका जो ऐसे इसके हवाले से भी होगा, तो ये दोनों चीज़ें होंगी. तो फिर आपका जो है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक ऑन कैंपस रखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको प्रैक्टिस करवाऊँ इसकी ये इस ऐसे राइटिंग की, क्योंकि ये आप लोगों का मिड टर्म का भी सिलेबस है और फाइनल टर्म का भी सिलेबस है. ठीक है? यस मैम. जी एनी अदर क्वेश्चन क्लास? एक्सक्यूज़ मी मैम. यस नूरुल हसनैन जी बोलें. मैम वो आपके जो सब्जेक्ट का मिड है वो हमारा 13 जुलाई को है, तो उस दिन ट्यूसडे भी है, उस दिन आपकी क्लास भी होती है, और मैम मिड की टाइमिंग भी हमारी सुबह की है, तो आप ऐसा नहीं हो कर सकती कि उस दिन पे अपने क्लास के टाइम पे मिड ले लें, क्योंकि मैम फिर वो हमारे लिए इजी भी हो जाएगा और वो फिर जो है उसमें आपको भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. नूरुल हसनैन आपको पता है ये जो बनकर आया है ना आपका डेट शीट, ये आपके एग्जामिनेशन वालों की तरफ से बनकर आया है. अगर आप लोगों का 8 बजे के स्लॉट में अगर आप लोगों का कोई दूसरा लेक्चर है तो मैं उसको आगे पीछे करके चेंज कर सकती हूँ, अगर लेक्चर है तो. मैम वो ये मेरे ख्याल ये कहना चाह रहे हैं कि 8:00 मिड ले लें, लेकिन क्विज आप हमारा क्लास टाइम में ले. अच्छा ये क्या नूरुल हसन आप कह क्या रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करें. मैम मैं ये कह रहा हूँ, मैम मैं ये कह रहा हूँ कि 13 जुलाई को आपका मिड है इंग्लिश का, वो सुबह 8 बजे है, वो एक घंटे सवा घंटे का होगा, उसके बाद उसी दिन आपका लेक्चर भी है 3:30 बजे, तो मैम आप उस दिन 3:30 बजे हमसे क्विज ले लें, वो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा. नूरुल हसनैन आप ये तो कहने को आप कह रहे हैं ना, बाकी बच्चे इस चीज को मानेंगे? मैम ये ठीक है वैसे, क्योंकि ना मतलब तो देख लें फिर आप लोग, क्योंकि इस तरह से फिर आप लोगों को ही बातें प्रॉब्लम होगी, फिर आप लोग सबसे पहले आके यही कहोगे कि हम स्टूडेंट्स को आप बहुत सफर करवाते हैं. नो नो मैम, मसला ये है ना, उस दिन हमारा इंग्लिश का मिड होगा तो हमारी ऑलरेडी इंग्लिश के मिड की भी तैयारी होगी, हम क्विज की भी कर लेंगे, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा. ठीक है ठीक है, सही है, मुझे कोई इशू नहीं है मैम. फिर हम 13 को थैंक यू.
13 को ही आप लोगों का जो है वो, फिर बाद में मुझसे ये मत कहिएगा कोई प्लीज, क्योंकि आज की जो कन्वर्सेशन हमारी हुई है ना वो इतनी बुरी थी कि मुझे आगे ना सोच समझ कर बाद करनी पड़ेगी आपकी क्लास में। मुझे बाद में ये मत कहिएगा मैम आपने एक ही दिन में हमारा क्विज भी रख दिया है और हमारा मिट भी रख दिया है। नहीं नहीं मैम ऐसा कोई नहीं कहेगा, मैं आपको ऐसा कोई भी नहीं कहता, क्योंकि जब बच्चों में इतनी हिम्मत होती है कि टीचर को ये कह दें कि स्टूडेंट्स ये सफर कर रहे हैं आप लोग नहीं कर रहे, तो बस फिर मैं यही उम्मीद रखूंगी कि वो बच्चा कुछ भी कह सकता है टीचर को। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे आपके स्टेटमेंट से। यस मैम, यस मैम। मेरी नेचर, मैं आपको बता दूं, मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूं या किसी के साथ बुरा करूं, चाहे जो भी हो जाए मैं बुरा करती नहीं हूं किसी के साथ और कहती भी नहीं हूं, लेकिन जो बातें आप लोग करते हैं ना स्टूडेंट होकर टीचर के सामने, इस तरह बदतमीजी से आप लोग कोई बात करते हो ना, उसका असर टीचर पे बहुत रहता है। असर ये रहता है कि मेंटली जो टीचर है ना वो मेंटली अपसेट हो जाता है ऐसी बातें सुनकर। हालांकि टीचर की गलती नहीं होती है उसमें, लेकिन सुनना पड़ता है उसको। ऑलरेडी हम इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, ऑलरेडी हम लोग इतना सफर कर रहे होते हैं कि आप लोगों की इस तरह की बातें सुनकर मजीद हमारा जो है वो मेंटली हम लोग अपसेट हो जाते हैं। तो वरना मेरी कोई, मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि मैं किसी के साथ जो है वो कोई बुरा सोचूं या कोई बुरा करूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स इस क्लास में हैं कुछ जो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, लेकिन आप लोगों की जब बातें ऐसी होती है ना तो फिर आपको आगे से डेफिनेटली सुनना भी पड़ेगा। यस मैम। नहीं मैम वो ना बस बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, कोई बात नहीं यार, मैं जो जिसने भी बोला उसके बिहाफ में सॉरी कह देता हूं। आपकी गलती नहीं है बेटा, इट्स नॉट, इग्नोर करें मैम, इट्स नॉट योर फॉल्ट। नहीं देखिए ये फॉल्ट आपका, आप लोगों का नहीं है, जिसने बोला है उसी को रियलाइज करना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं ये बात अगर कर रहा हूँ तो ये मैं सॉरी करता हूँ अगर आपको बुरा लगा, लेकिन मैंने अगर नहीं मुझे बुरा लगा है, अगर नहीं I'm really sorry, I'm extremely sorry, मैं apology करता हूं, आपको बुरा लगा तो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जस्ट ये कहना चाह रहा था, मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि हमारे दूसरे मीट्स भी हैं तो काइंडली आप वो भी देख लें बेटा। आप लोगों को ना, आप लोगों के ये बात बच्चे अक्सर हमसे आके करते हैं कि मैम हमारा फलाना प्रेजेंटेशन है, फलाना क्विज है, फलाना ये है, जहाँ पर हमें हो सकता है हम करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमने भी आंसरेबल होना है ना, हमें भी जवाबदेह होना है, हम वहाँ पर नहीं कर सकते। आपकी मैंने हर बात मानी, आपको पता है कि मैं आपकी कितनी बातें मैं मानती आई हूँ, हर बात में मानती आई हूँ, बल्कि मैं अक्सर आपसे पूछती हूँ कि ये कर लें ये ना करें। मैं, मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को टफ टाइम ना दूँ, लेकिन जब जब जहां पर टीचर को ये लगता है कि उससे सवाल किया जाएगा हाई अप्स की तरफ से बाद में, तो वहां पर टीचर को थोड़ा बहुत इन चीजों को सोचना पड़ता है। तो वहां पर एकदम से हार्श होकर ये नहीं कहते कि आप लोग कहाँ हो रहे हैं, सफर तो अब स्टूडेंट ही होता है, तो टीचर को कितना बुरा लगा होगा। आपको, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम लोग कितना सफर हो रहे हैं आप लोगों की वजह से, कितना हमें सफर करना पड़ता है, लेकिन ये रियलाइज बच्चे नहीं करते बिल्कुल भी, ये टीचर ही समझ रही होती है, क्योंकि टीचर ने बच्चों को भी, बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी समझना होता है और अपने प्रॉब्लम्स को भी समझना होता है, लेकिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रॉब्लम्स को समझना होता है बस। तो ये बात, ये मुझे शिकायत है, आई थिंक इनको आईडिया नहीं है ना, अगर इनको आईडिया होता ना तो ये बच्चे जो है ना ये चीज ना बोलते, तो मेरे ख्याल से इनको आईडिया नहीं है तो ऐसी बात की है। चले कोई बात नहीं, लेकिन ये कि चले ओके 13 जुलाई को यू आर हैविंग योर मेट्स और आपका जो है वो क्विज भी होगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आप तैयार रहिएगा कि आपका क्विज भी है, डेफिनेटली आप जो है वो अपने मिट के लिए तैयारी करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो भी आपका हो जाएगा। तो इस दौरान हो सकता है कि मैं आपको कोई और असाइनमेंट हो सकता है कि मैं दे दूँ इस 10 दिन में, क्योंकि 10 से 12 दिन का फासला आ रहा है, 10 दिन का फासला आ रहा है, तो हो सकता है शायद मैं कुछ आपको दे दूँ। तो लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। यस, एज फॉर योर सिलेबस इज कंसर्न, आपका जो सिलेबस है उसमें मैं अभी ओपन करके बताती हूँ, और सी आर और जी आर मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इसको नोट डाउन भी कर लें जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आपका जो सिलेबस है। जी, सबसे पहली चीज तो ग्रामर है, ग्रामर में आपकी टेंसेज हैं, ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। यस मैम, ये टेंसेज आपके शामिल हैं ग्रामर में, और देन यू हैव दिस सेंटेंस एरर करेक्शन। ये सेंटेंस एरर करेक्शन याद है आप लोगों को कि आपको एक गलत सेंटेंस दिया जाएगा जिसको आपने करेक्ट करना है, याद है मैम? हाँ, बस ये आपका है ग्रामर के पार्ट में से, ये दो चीजें हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज योर
गलीवर्स ट्रेवल्स, ये हमने फोर चैप्टर्स इसके किए हैं. वी हैव डन फोर चैप्टर्स सो फार. ठीक है, तो आर यू ओके विद दिस? यस मैम. मैम वन मोर थिंग, जो फ्लेवर ट्रेवल्स हमने किया है उसमें क्वेश्चन आंसर आएगा या समरी बेस आएगा? दैट वुड बी क्वेश्चन आंसर. ओके मैम, क्वेश्चन आंसर होगा. यस ओके, क्वेश्चन आंसर आपका होगा. और क्वेश्चन जो है दैट कैन बी कॉन्सेप्ट बेस्ड, और हो सकता है कि मैं आपसे आई कैन आस्क यू टू राइट द थीम्स ऑफ द नॉवल, और आई कैन आल्सो आस्क यू टू कमेंट ऑन अ स्टेटमेंट व्हिच वुड बी लाइक टेकन फ्रॉम अ चैप्टर. कोई एक स्टेटमेंट दूंगी जिसमें मैं कहूँगी कमेंट ऑन द स्टेटमेंट. ठीक है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट लेके मैं कह सकती हूँ कि इसको कमेंट करें आपके चैप्टर में से. स्टेटमेंट ऐसे होंगे कि आप उसको देखकर समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है और ये किस इवेंट की बात हो रही है. और हो सकता है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट बेस पे कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन पूछूं जिसमें आपने थोड़ा क्रिटिकल होके लिखना होगा, थोड़ा अपने आप को उस सिनेरियो में रख के लिखना होगा. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चनिंग होगी. ठीक है, और यस ये आपका है. तो फोर चैप्टर्स हैं, फोर चैप्टर्स हमने कर लिए हैं सो फार. तो ये फोर चैप्टर्स आपको मैं करवा भी चुकी हूँ और हमने ये इसको डिस्कस भी किया हुआ है. यू हैव हैड अ क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट रिलेटेड टू दैट. तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड और व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर. ठीक है, ओके. देन द थर्ड थिंग इज दिस वन, essay writing, argumentative essay writing. ठीक है, ये आपका होगा. और इसके बाद आपका होगा reading comprehension को, ये एक आपको मैं शायद दे दूँ. ठीक है, मैं बता दूंगी आपको बाद में कि मतलब क्या है क्या नहीं है. लेकिन अभी के लिए आपका tenses है, sentence error correction है, Gulliver's Travels first four chapters है, और then you have the essay. Argumentative essay. ठीक है? Okay, ma'am. And ma'am, comprehension. हाँ, ये कॉम्प्रिहेंशन तो खैर अनसीन होगा, उसकी तो इतनी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अनसीन ही होगा और वो इजी भी होता है और वो तो आपके बड़े आसानी से उसमें मार्क्स आ जाते हैं. Okay. ma'am, I mean, वो मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड करना है तो मैं उसको ऐड कर दूँ ना लिस्ट में. चलिए आप ऐड कर दें, कोई बात नहीं. मैम जो हमारा क्विज होगा उसमें सिर्फ दो चीजें होंगी ना, टेंसेस और आर्गुमेंटेटिव एसे होगा. ठीक है, ये क्विज में होंगे ये दोनों चीजें. ठीक है मैम. ओके, अगेन टू रोल कॉल नाउ क्लास. अली नजम. यस मैम, प्रेजेंट. अली नजम बेटा, आप मुझे एप्लीकेशन लाकर दे दो आप. ठीक है, जी मिस, आज मैंने कलेक्ट कर लिया, अभी आपको मेल कर देता हूं मैं. नहीं, ईमेल नहीं करना, आपने खुद आकर मुझे देना है. मिस, आप मंडे को किधर, किस साइड पे आपका वो है ऑफिस वगैरह? मैं मंडे को ऑफिस में होंगी, मेरा ऑफिस है मेन बिल्डिंग में. मेन बिल्डिंग में है. अभी आपको मैंने बताया था मैम, पे एड्रेस बताया था आपको. चलिए ठीक है मैम, फिर मैं वो जैन भाई से, जैन भाई ने दे दिया, मैं उधर आ जाऊंगा. ओके ओके. आमना सरवत. प्रेजेंट. अनमोल नईम. प्रेजेंट. अक्सा भट्ट, सॉरी अनुषा निसार. यस मैम. अक्सा भट्ट. अक्सा भट्ट. अरीज मंजूर. आसफा नोरीन. आसफा को मैंने देखा था, आसफा नोरीन को. अच्छा, अशर मंजूर. यस मैम. आसिफा. प्रेजेंट मैम. आयशा अशरफ. आयशा नूर. एक्सक्यूज मी मैम, अरीज प्रेजेंट, उसका इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा. ओके, अरीज प्रेजेंट है. ओके, आयशा मंजूर, आयशा नूर, बिनेश, दानिश, ईमान शहजादी. प्रेजेंट मैम. फैजान अली. फजर अमीन. प्रेजेंट. फातिमा खान. फिजा खान. प्रेजेंट मैम. मैम फातिमा, आई एम प्रेजेंट. गुलाम नबी. गुलाम नबी.
हमना बाबर प्रेजेंट मैम. गुलाम नबी है क्या क्लास में? नहीं है. ओके हमना नैयर. हिबा आसिफ प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. हिबा आसिफ प्रेजेंट. हुमा मुमताज. कोमल अमीन प्रेजेंट मैम. लाइबा यूसुफ प्रेजेंट मैम. लाइबा अमजद मौजूद है. लिंता खावर प्रेजेंट मैम. महीरा नासिर प्रेजेंट मैम. मलिहा समी. मरियम अब्दुल कादिर प्रेजेंट मैम. मैमूना जाहिद प्रेजेंट मैम. मोहम्मद अजद अली पाशा. मोहम्मद हमजा प्रेजेंट मैम. मोहम्मद हमजा 78 1078 present ma'am. नूर फजल present ma'am. नूरुल हसनैन present ma'am. present ma'am. सादिया सरवत present ma'am. सवेरा शाह सॉरी present ma'am. सजल खान present ma'am. सजल समीन सादिया. समीन सादिया. तारा ma'am. शाह सुभान राफे present ma'am. शर्जील अहमद. शर्जील सैदा मारुख प्रेजेंट मैम. उज्मा जावेद मैम. उज्मा यस मैम. नाम गुजर गया पैदल लगी हुई है. वर्दा अली. वर्दा अली. जैन आसिफ यस मैम. इंजीमल रुबाब प्रेजेंट मैम. ओके क्लास so I dismiss your class now. आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कम टू माई ऑफिस एनी टाइम. ठीक है आप लोग ऑफिस आकर मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आप लोगों के मिड टर्म के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग अपने जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं. ठीक है तो आप मेरे पास आ सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों के मिड टर्म के सिलेबस से रिलेटेड या सिलेबस आपका जो है उससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो यू कैन कम टू माई ऑफिस. और मेरी ऑफिस की लोकेशन मैं जैन को सेंड कर चुकी हूँ. जैन है जैन मस्ट हैव शेयर्ड दैट इन द ग्रुप. तो जैन दोबारा आप उसको शेयर कर दीजिएगा. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, fine. So, see you then. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Okay, ma'am. Allah Hafiz.